नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक टिप्स में। आपका पहला दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेके दोस्तों आपका ज्ञान और प्रॉफिट का मोटिव हम बनाए रखेंगे। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले जिस तरह से बजट आया 2020 का, दोस्तों क्या उसने सबके जो आस लगाए बैठे थे उनके आस पे पानी फेरा है क्या? तो दोस्तों हम बात करने वाले शेयर मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है और कितना उस पर इम्पैक्ट होने वाला है। तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अभी जो मार्केट में ट्रेड कर रहे थे ना दोस्तों लोग, जैसे मैंने कहा तो फ्राइडे के दिन की थर्सडे के दिन कहा था यहाँ से मार्केट गिर सकता है, मगर आपको इसके पहले निकलना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वही बात मैंने आपको ये बजट के हिसाब से कही दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में बजट में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने सबको अवेयर कर दिया था ये 2 दिन मिलेंगे, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा बाहर पढ़ने का। दोस्तों अगर आपने जाना होगा, वीडियो देखा होगा, तो दोस्तों आपका प्रॉफिट बन गया होगा हर एक शेयर में। तो दोस्तों मैंने आपको वहाँ पे टाटा स्टील और JSW के स्टील के बारे में कहा था, मगर वहाँ से दोस्तों कहानी कुछ अलग नहीं हुई, जैसी बाया की थी वैसी कहानी होती गई, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान हो गया यहाँ पे JSW और टाटा स्टील का। तो दोस्तों हम बात करने वाले किस तरह से ये NBFC पे असर करने वाला है, तो NBFC पे किस तरह से असर करता है। देखिए दोस्तों, NBFC एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनी अपना फाइनेंस प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर किसी हाउसिंग के लिए, या फिर पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। मगर दोस्तों यहाँ पे वैसे कुछ भी कदम नहीं उठाए गए NBFC के लिए, जिसके कारण इनकी आय बढ़ सके, या फिर जिनके लोन देने की जो ग्रोथ है वो बढ़ सके, या फिर उनकी इंटरेस्ट इनकम किस तरह से बढ़ाई जाए, इनके लिए कुछ भी कदम नहीं उठाए गए NBFC में। तो दोस्तों बहुत सारा अभी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है NBFC में, जैसे 2014 से ही देखते आ रहे हैं कि यह NBFC में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके थे। तो दोस्तों NBFC में कितने शेयर्स आते हैं, कितने क्या आते हैं, तो आप इंडेक्स में देख सकते हैं किस तरह से इंडेक्स का लुढ़का हुआ है। तो दोस्तों आपको 2020 का जो बजट है उसमें क्या क्या ज़रूरी बातें थी, दोस्तों मैंने कहा था आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें ज़रूरी है, जो कि कस्टम ड्यूटी होती है, जो ऑक्ट्राय होता है, जो एक्सेस होता है, अगर उसके ऊपर कमियाँ के ऊपर देखा जाए तो उसका जो रेशियो है ज़्यादा दोस्तों फिलहाल जो टैक्सेस का वो कम कर देते, उसका स्लैप रेट कम करते तो मार्केट शायद बढ़िया बन जाता था, मगर दोस्तों वैसा हुआ नहीं। यहाँ पे सस्ता तो हुआ नहीं, मगर महंगा भी कुछ हुआ नहीं। मगर दोस्तों एक बात कही जाती है, कॉन्स्टिट्यूटली जो हम ग्रेजुअली कह रहे हैं, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको कहते हैं हम दोस्तों महंगाई। दोस्तों यहाँ पे महंगाई का मार तो हमें दिख ही रहा है बजट में, उसको ना उसकी तरफ देखा गया है, ना उसके ऊपर कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई है इस सरकार के माध्यम से। मगर दोस्तों इसका इम्पैक्ट तो बहुत सारा आया है शेयर मार्केट पे, हमारे इकोनॉमी पे। दोस्तों जो हमारे जिस तरह से इकोनॉमी गिरी है, GDP गिरी है, उसको उठाने के लिए कोई कड़े कदम उठाए गए नहीं है। मगर दोस्तों एक बात आपको धीरे से समझने, दिमाग में रख लेने की है, अगर हम किसी शेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो दोस्तों उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल, उसको आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट में हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जैसे कि आपके काजू, बादाम, पिस्ता, सिगरेट, ये सब चीज़ों पे आपका जो टैक्सेस है वो बढ़ गया है, उसका बर्डन बढ़ गया है दोस्तों, जिसके कारण कंपनी के आने वाले दिनों में जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें आपको गिरावट दिख सकती है। तो दोस्तों मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा शेयर मार्केट में पैसा लगा है या फिर मेरा कुछ नुकसान होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमिक की बात की जाए, इकोनॉमी किस तरह से हमारी ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए पहला कदम गवर्नमेंट ने उठाना चाहिए था, मगर उसको नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक सस्ता बजट पेश किया दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातें ऐसे कि उस बजट में अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिए है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि बहुत अच्छी थी, जैसे किसानों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बहुत सारी बातें हैं, जो कि मिशंस के कई मिशंस हैं उन्होंने लाए। मगर दोस्तों हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम चल रहा है GDP ग्रोथ, हमारा इकोनॉमी, जो हमारा इन्फ्लेशन रेट तेजी से बढ़ रहा है, उसके ऊपर नज़रअंदाज करते वहाँ पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियाँ आज लॉस लेने में सक्षम हो चुकी है। दोस्तों सक्षम होना मतलब क्या हो गया, अभी देखिए दोस्तों दो तरह से सक्षम आदमी हो सकता है, एक तो अपनी तेजी से रफ्तार करने के लिए सक्षम होता है, या फिर अपनी तेजी गंवाने के लिए सक्षम हो जाता है। तो दोनों में से अब एक तो होना ही है, कुछ महंगा तो हुआ नहीं, कुछ सस्ता भी हुआ नहीं। टैक्स रेट के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों टैक्स में भी कुछ ज़्यादा छूट नहीं दिए गवर्नमेंट की तरफ से, दोस्तों एक तरह से कहा जाए फालतू बजट है, एक तरह से कहा जाए कि मार्केट ने इस बजट को रिजेक्ट कर दिया है, जिसके कारण मार्केट धड़ल से नीचे गिर गया। दोस्तों एक 11 साल की जो एक गिरावट थी उसका रिकॉर्ड
कल के जो सेशन हुआ उसमें तोड़ दिए 11 साल के रिकॉर्ड, जो नीचे गिरने का जो तेज रफ्तार थी उस रफ्तार ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए और मार्केट 300 पॉइंट डाउन नीचे क्लोज हो गया और 1000 पॉइंट सेंसेक्स नीचे क्लोज हो गया। दोस्तों ये बहुत ही एक बड़ी बात है जो कि सबको समझनी है, जरूरी समझना है मार्केट में। अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं कि शेयर के ऊपर, तो पहले दोस्तों उसका ऑक्ट्रेट टैक्सेस एक्सेस ये सब बारे में बात कर लीजिए, पहले उसका रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह वो सब देख लीजिए, बाद में जाके आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। दोस्तों मैं तो एक बात कहूंगा, अगर कोई शेयर डिप में मिल रहा है तो लेना चाहिए, मगर दोस्तों उसका डिप ये है कि नहीं ये जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको हमेशा तैयार रहना है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले बैंकिंग सेक्टर के बारे में, हम बात करने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभी मेटल सेक्टर के बारे में। तो दोस्तों हम आपको बता दें, बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी ऐसा अलग नहीं किया गया है इस गवर्नमेंट के माध्यम से जिसको हम कह सकें कि इस बजट में हमें बहुत कुछ मिला है। दोस्तों बैंकिंग का हो गया, दोस्तों एनबीएफसी का भी आपको पता चल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो दोस्तों, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में 1,07 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बात की, रोड मैप बढ़ाने की बात की, बहुत ही अच्छे हैं। मगर दोस्तों उसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात तो हुई है, मगर दोस्तों जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी चाहिए उस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रोड मैप उनके पास नहीं है, प्लान्स उनके पास नहीं है किस तरह से हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है सबके लिए। मगर दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये आती है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस कम कराए उसका बेनिफिट किसको होने वाला है। दोस्तों टैक्सेस तो कम किए मगर कैसे किए, जिसको जो कि हम इसको कह सकते हैं जीरो रेटिंग टैक्स स्लैब कह सकते हैं। जीरो रेटिंग इसलिए कहा दोस्तों कि देखिए वहाँ पे ज़्यादा फायदा भी नहीं है और ज़्यादा लॉस भी नहीं है, वो जहाँ पे थे वहीं पे ही उन्होंने एक लेवल बना के छोड़ दिया है गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस किए थे। दोस्तों ये बात हो गई हमारी अभी बैंकिंग सेक्टर के बारे में। तो दोस्तों हमें बात जाननी है और मेटल सेक्टर के बारे में। तो दोस्तों मेटल सेक्टर में क्या हुआ है, देखिए दोस्तों मैंने कहा था मेटल सेक्टर में बहुत ज़रूरी बात थी कौन सी, आपको वहाँ पे लेवी कम करनी है। मेटल सेक्टर में लेवी कम नहीं हुई दोस्तों, 400 टन पर टन के हिसाब से आ रहा है। फिर दोस्तों उसका ऑक्ट्रा है, फिर एक्सेस है, फिर फ्रेज है, बहुत सारी टैक्सेस उसके ऊपर लगती है दोस्तों, जिसके कारण ये मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट जो कह रहे थे हम लोग दोस्तों मेक इन इंडिया, वो बहुत महंगा होता जाएगा क्योंकि दोस्तों इसका इम्पैक्ट टैक्सेस के वजह से ही होने वाला है। दोस्तों गवर्नमेंट ने ऐसे कोई भी ऐसे कड़े कदम नहीं उठाए जिसके कारण हमारा जो इंडिया में प्रोडक्ट बनेगा वो चिप बनेगा या फिर सस्ता बनेगा, जिसके कारण हमें लेने में अवेलेबिलिटी इजीली हो सकती है। मगर दोस्तों प्राइजेस वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी बहुत सारे वहाँ पे टैक्सेस इंक्लूड होने वाले, जिसके कारण अभी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है हमारे मेटल सेक्टर में। दोस्तों आप मेटल सेक्टर के कई शेयर्स को देख सकते हैं, JSW है आपका, वेडल है, फिर मतलब वेदंता है, फिर आपका JSW है, फिर टाटा स्टील है, फिर आपका बहुत सारे ऐसे शेयर्स है जिसके कारण आपके मार्केट में गिरावट दिख रही होगी उसके वजह से। दोस्तों आपको यहाँ पे ओवरऑल पता चल गया मार्केट में जो बजट आया था कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करने वाला है, कुछ भी उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट नहीं होने वाला, पूरा बुरा इम्पैक्ट है शेयर मार्केट पे। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर आपको शेयर मार्केट में बना रहना है तो आप बड़े सतर्क तरीके से पैसा कमा सकते हैं, मगर दोस्तों उसके लिए आपको हर एक चीज़ की जानकारी रखना जरूरी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।